आ गया क्या? 108 108 आ रहा है भाई, 108 आ रहा है, 101 क्यों आ रहा है? कुछ गलत क्यों है? चलो ठीक है, मैं करता हूँ, देखो जिनका नहीं आया सुनो। देखो ये तुम्हारा एक पोल है जो कि कितना मीटर का है, 54। पहले मिनट में ये दो चढ़ता है, 300, और दूसरे मिनट में ये दो फिसल जाता है, तो फाइनली 2 मिनट में ये चढ़ा कितना? 1 मीटर। ठीक है, अब क्या करो कि ना जितना ये चढ़ता है ना ऊपर से उतना कम कर दो 2 मिनट के लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो ये कितना बच जाएगा? 51। पहले ना इसको यहां तक ले लिया, उसका रीजन क्या मैं बताऊंगा अभी। पहले इसको जितना भी वो चढ़ रहा हो ना उतना नीचे से ऊपर से कम कर दो, पहले 51 पे लेके आओ। तो इसको 51 बनाने के लिए मैं 51 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां 51 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आएगा 102 मिनट। इतने में चढ़ जाएगा 11 मीटर, है ना। अगले मिनट में फिर से छलांग लगाएगा, यानी 103वें मिनट में, और पहुंच जाएगा कहां पे? 104। अब नहीं फिसलेगा। यदि तुम इसे डायरेक्ट डिवाइड करोगे ना 54 को, तो होता क्या, पहले एक बार चढ़ जाएगा और फिर एक बार फिसलेगा, फिर छलांग लगाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा 5 मिनट ज्यादा आ जाएगा, 3+2 5 मिनट और 8 आ जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक? इसीलिए जब भी क्वेश्चन इस तरह का हो तो पहले ना ऊपर से उतना कम कर दो जितना वो पहले चढ़ रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया, लिखिए। 10% कैन डू अ वर्क इन 10% can do a work in 5 days by working 3 hours per day. In how many days? Another group of 15 men can complete twice of the work by walking 5 hours per day. Where the efficiency of the first group is 50% more than the second group. Where the efficiency of the first group is 50% more than the second group. ठीक है, करो तो the efficiency of the first group is कितना बोला मैंने? 50% more than the second group.
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर आप करना। देखो सुनो, एक कंसेप्ट होता है मैन डे आर एफिशिएंसी एंड वर्क। तो जो हमें गिवन होता है हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमें फाइंड करना होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। लेकिन वर्क जो है ना उल्टा लिखते हैं, इसका वर्क यहाँ, इसका वर्क यहाँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है ना इनवर्स होगा। नहीं दिख रहा तो वहाँ बैठा, ठीक है। तो एम डी एच एंड डब्ल्यू ऐसा याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो हमें इसलिए क्या कहा, मैन डे आर एफिशिएंसी एंड वर्क। तो कहता है 10 मैन कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 5 डेज बाय वर्किंग 3 आवर्स पर डे, है ना। फिर कहता है एक दूसरा ग्रुप है उसमें 15 लोग हैं, ये कितने दिन में इस वर्क को करेंगे, यदि ये कितने आवर पर डे वर्क करें, 5 घंटे पर डे वर्क करें, और ये डबल वर्क करता है पहले ग्रुप से। यदि पहला ग्रुप 1 वर्क करता है तो ये डबल वर्क 2 करेगा। एफिशिएंसी भी दिया हुआ है तुम्हें, एफिशिएंसी में कहता है जो फर्स्ट की एफिशिएंसी है वो सेकंड से 50% मोर है, है ना। तो यदि फर्स्ट को यदि हम ऐसा लिख लेते हैं, देखो 50% 1/2 होता है ना, तो किससे कंपैरिजन कर रहा है, सेकंड से फर्स्ट पे जाता है, थ्री टू जिससे कंपैरिजन करता है वो नीचे होता है हमेशा। तो यदि सेकंड की एफिशिएंसी 2 है तो फर्स्ट की 1 मोर, 50% मोर होगा ना, तो 2+1=3 होगा, ठीक है। अब जो कट पिट रहा है उसे काट दो, ठीक है। 3 5 4 5 2 4 2 2 3 2 6 फिर से समझाऊं, देखो इसलिए कहा 10 मैन किसी वर्क को 5 डे में करता है जब वो 3 घंटे पर डे वर्क करता है। फिर कहता है दूसरा ग्रुप जिसमें 15 लोग हैं वो उस वर्क को कितने दिन में करेगा, यदि वो 5 घंटे पर डे वर्क करते हैं। उसके बाद बोलता है जो ये पहला का ग्रुप करना है ये डबल वर्क करता है, तो किसका वर्क यहाँ लिखेंगे, ये एक वर्क करता है तो ये डबल वर्क कितना करेगा, 2, है ना। फिर एफिशिएंसी में कहता है जो पहले की एफिशिएंसी पहले की वो दूसरे से 50% ज्यादा है, तो 50% 1/2 हमेशा जिससे आप कंपैरिजन करते हो ऑफ फ्रॉम वो नीचे होता है। तो यदि एफिशिएंसी दूसरे की 2 है तो दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है तो दूसरा यहां पे हुआ, तो पहले की 1 ज्यादा 3 पर उसको काट कर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर टुक अ कंस्ट्रक्शन वर्क, टुक ए कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर 100 days एंड ही एम्प्लॉयड कंस्ट्रक्शन वर्क इन 100 फॉर 100 days and he employed and 50 worker on it, 50 workers on it, full stop. After the 50 days contractor finds only 40% of the work was completed.
only 40% of the work was completed. Question number one. In this way, the work would delay by how many days? In this way, work would delay in how many days? ठीक है, दूसरा लिखो क्वेश्चन. If he wants to finish the work on time, if he wants to finish the work on time, how many more workers are required? How many more workers are required? पहले 50 दिन तक काम किया, उसके बाद जब इंस्पेक्शन हुआ तो केवल 40% वर्क कंप्लीट हुआ था. तो क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर 50 डेज ही फाइंड्स ओनली 40% ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड. 50 लग रही है क्या? ऑन कर दो फैन को. चलो मैं थोड़ा सा लिया हूँ. रवि मुखर्जी नगर चले जाओ हमारे हेड ऑफिस, वहां से आपको ना क्वेश्चंस मिल जाएगा आपका. हाँ डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा. क्या था बताना क्वेश्चन? हाँ याद आ गया मुझे, सुनो. क्या था? देखो मैन डे और वर्क है, आर की बात तो इसने की नहीं इस क्वेश्चन में. तो कहता है कोई एक वर्क है जिसमें उसने 50 आदमी को लगाया, इन लोगों ने 50 दिन तक काम किया, तो इन्होंने कितना काम किया? 40%. तो हमने उसको यहाँ लिख दिया.
तो काम कितना बच गया 60%। उसे इस 60% को यदि यही 50 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? काट दो, दो दिन चार दो के छह गया 25, 75 दिन। तो भाई ये वाला 60% वर्क कितने दिन में हुआ? 75 दिन। और ये वाला 40% वर्क कितने दिन में हुआ था? 50 दिन में। हाँ 50 दिन। तो 5, 7, 5, 12 125 और होना था 100 दिन में, तो कितना डिले हो गया? 25 दिन का डिले हो गया। पहले का आंसर निकल गया, अब दूसरे का भी ऐसे निकाल। तो 100 का ऊपर 100 डिले 25 दिन का हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन फाइंड करो, ऐसे सेकंड क्वेश्चन फाइंड करो। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वहां से पूछ जाएगा उनको। हाँ जी 25 तुम्हारा नेट वाला बोल रहा था, थैंक यू बोलिएगा, उसका पार्टी ड्यू है। मेरा पार्टी? हाँ कस्टमर दी बोला था हमसे। अच्छा खुद ही पैसा देना क्या सर? आप वो यूज़ करते हैं जीपे? हाँ हाँ सब कुछ यूज़ करते हैं, जीपे, फोन पे, एक्स पे, वाई पे, है ना। तभी हम कम से पैसा मांगने आ क्यों रहे हैं? उसका ड्यू कब से खत्म हो गया है? चलो उसमें हुआ क्या ना कि वो जीएसटी वाले बिल के चक्कर में ना उसने मेरे को कहा कि एक साल का पे कर दो, मुझे जीएसटी का बिल चाहिए, तो एक साल का लेके गया। चलो एक एयरटेल वाला है, पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया में एयरटेल छाया हुआ है, इंडिया में उसने मामला बिगाड़ के रखा है, पूरा अफगानिस्तान में एयरटेल छाया हुआ है, इथोपिया में एयरटेल छाया हुआ है, इसलिए भारत पे ध्यान नहीं दे रहा है वो। इंडिया जियो चल रहा है ना सब जी, इसका गीगा फाइबर आने वाला है भाई। किसका? जियो। जियो का। और तुम्हें ये जान के थोड़ा अजीब सा लगेगा कि भले ही जियो का नेटवर्क है सब कुछ है, लेकिन पता है फाइबर उसका कौन बिछाया है? कौन बिछा रहा होगा? सबका फाइबर एक ही आदमी बिछाता है, टाटा ही है। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, देखो क्या कहते हैं, मैन डे वर्क, ठीक है, टाटा एनर्जी के नाम से वो बिछाते हैं, 50 लोगों ने 50 दिन तक काम किया तो 40% काम किया, ठीक है, बचा 60%, इसको तुम चाहते हो टाइम पे हो जाए। भैया टाइम पे होने के लिए आपको कितना दिन और बचा? 50 दिन। तो कितने लोग चाहिए? काटो 75 ही आएगा, 75 मैन चाहिए यदि आपको इस काम को 60% काम को 50 दिन में करना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता कितने लोग चाहिए, आपसे चाहता है कि कितना अधिक, मोर। तो भाई 50 तो पहले से है आपके पास, तो 25 मोर चाहिए, ठीक है। देखो इसमें ये ना बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, एफिशिएंसी में चेंजेस कर सकता है, कह सकता है कि दूसरे की एफिशिएंसी 10% बढ़ा दिया, इस तरह का कुछ भी कहे ना तुम पुट कर देना MDH इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले कैट में पूछा हुआ है 2003 में, उसके बाद SSC में भी आया हुआ है।
रूसा मेथड से बनी है क्या? रूसा मेथड एक मेथड जो है मेरे को यही मेथड आते हैं, दूसरा मेथड एक्स वाला आता है। एक मिनट रुक जाओ, एक्स में फंस जाओगे ठीक है। दूसरा इसका तीसरा मेथड एक परसेंटाइल वाला है ठीक है, जो अरुण कुमार की जो बुक आते हैं ना कैट की है ना, तो उसमें परसेंटाइल वाला बेकार मेथड है। ये मेथड सबसे ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ठीक है। इन क्वेश्चन में यदि आप वन वाले से करोगे ना फंस जाओगे। करवा देता हूँ मैं उस क्वेश्चन को, वाया क्वेश्चन मुझे याद है, करवा देता हूँ ठीक है। लिखो उस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, रीड में आया क्वेश्चन है। गेट 2013 या 12 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सीएससी के ब्रांच में मैंने दिया था। ये भी तो आया होगा सर, ये आप कराए थे मंकी वाला ट्रेंड कर रहा है। हां ये भी आया होगा। लिखो वो जो कह रहा है, लिखो इन अ फोर्ट देयर आर and food arrangement for them for 100 days. थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर उतना याद नहीं है। 100 days ठीक है। After 50 days twenty soldiers left the fort. Find in how many days total food will consumed now. In how many days total food will consumed? Now मत लिखना. In how many days total food will consumed? ठीक है करो। इसी कॉन्सेप्ट होगा। हाँ इस कॉन्सेप्ट से नहीं भी तुम एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना मैथ का तो उससे आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से यदि आप नहीं भी करना चाहो तो आदमी का 100 दिन का खाना था तो कितना खाना था टोटल 4000 पैकेट है ना। पहले 40 लोगों ने कितने दिन खाया? 50 दिन। तो कितना पैकेट खा लिया? 2000 ठीक है। उसके बाद कितने लोग चले गए? 20। तो बचे कितने? 20 लोग। अब ये 20 लोग और खाना कितना बच गया माइनस कर दो 2000। तो ये 20 लोग 2000 खाना कितने दिन में खाएंगे? काटो 0 कट गया 100 डेज। तो टोटल कितना दिन चला? 50 पहले और 100 ठीक है। यदि इसे तुम मैंडे वाले से करना चाहो मैंडे वाले से तो उससे भी हो जाएगा। देखो
जब 20 लोग चले गए ठीक है तो बचे कितने 20 लोग ठीक है और सुनो तो देखो 20 आपका जो है लोग बच गया है ना ये 20 लोग इस खाने को यदि खत्म करते तो कितने दिन में खाते मतलब इस 4000 फूड को 200 में ना नहीं ऐसे नहीं 40 लोग 50 दिन में पहले 40 लोग कितने दिन में खाते थे 50 दिन में ठीक है तो हमारे पास कितने लोग रह गए 20 लोग रह गए डे और फूड पहले कितना था हमारे पास 1 ठीक है अरे फूड नहीं दिया तो फूड 1 यूनिट ले लो ठीक है और अब फूड कितना बचा इसको करेंगे तो 100 ये तो 1 मनी रख लो पूरा ही फूड कंज्यूम होगा तो 100 डेज और 50 दिन वो लोग खा के गए थे तो 150 डेज लेकिन उससे अच्छा है कि ये करो If there were 12 more men, in how many days total work will finish? तो मैं भी application भी कोई करती है simple math रहा हूँ. एक चीज हमेशा याद रखो man into day जो होता है ना वो work होता है man day work. Calculate तो man day ही किया जाता है ना. उसको जरूरत है मैंने कहा ना एप्लीकेशन से क्यों कर रहे हो ऐसे करो ना देखो सुनो भाई 100 डेज में मान लो हम लोग काम करते थे ठीक है ना इसी काम को वो कह रहे हैं कि 12 ज्यादा लोग होते तो कितने दिन में कर लेते अरे नहीं वो गड़बड़ी रह गई क्वेश्चन पढ़ना दो अनुमान Work can done by some person in 100 days. If they were 12 more person, in how many days work will finish? In how many if 12 more work, yahan se likho, if there were 12 more person, the work would finish in 20 less days. 20 less days. 20 less days. Fine. Total number of men initially on the work find total number of worker initially on the work total number of man initially on the work ab ho jayega na ab kar lo sorry do variable aage koi baat nahi tab bhi laga sakte the data in equate रख दो इसमें ये फिर 80 दिन आ जाएगा है ना तो 100 m प्लस सॉरी 80 इनटू m प्लस 12 इनटू 80 अपॉन सॉरी बस इतना तो ये आ जाएगा 20
12 into 80 काटो 20 चौके 80 12 तो m इक्वल टू आ जाएगा 24 है ना। एप्लीकेशन से करना चाहो 9 डे वर्क से तो भाई देखो जो नए लोग हैं वो कितने आए 12 और वो कितने दिन वर्क करेंगे कितने दिन वर्क करेंगे 80 दिन वर्क करेंगे। लेकिन ये वर्क इनिशियली किसको करना था वो जो पहले कितने थे ये वो जो लोग थे पहले उनको करना था है ना और कितने दिन में करना था 20 दिन में वही तो 20 दिन कम हुआ ये काम जो 20 दिन में ये करते है ना है ना वही देखो लास्ट के जो 20 दिन का वर्क था ये 12 लोग आके कर दिए वो लोग रहते थे इसको 20 दिन में करते ना 12 into 80 वर्क जो है इन लोगों ने किया नए वालों ने ये नहीं होते तो पुराने वाले जो थे वो उसको 20 दिन में करते ना तभी तो 100 दिन होता काट दो ये 12 लोग जो है इन लोगों ने कितने दिन काम किया 80 दिन काम किया यदि स्टार्टिंग से आते तो 80 दिन तक काम किया ये काम यदि यही लोग करते 48 आएगा तो कितने दिन बचे 20 दिन और लेते रुको तो मिनट 20 चौके 80 बार चौके 48 आएगा वो कैलकुलेशन मिस्टेक है वहां पे 48 ही है अच्छा यहां कैलकुलेशन मिस्टेक है और ये भी अंदर रहेगा Five men can do a piece of work in 6 days. While 10 women can do it for 5 days. Ten women can do it in 5 days. Full stop. In how many days, 5 women and 3 men together can do it? In how many days, 5 women and 3 men can do it? ऑप्शन में नहीं है 4, 5, 6, 8 सर 5 5 देख सुनो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे लोग हो इन क्वेश्चन को ऐसे करना देखो 5 men can do a piece of work in 6 days तो मैन का 5 men का वर्क हम यदि 6 days से मल्टीप्लाई करते हैं फिर वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा इसी वर्क को कितनी फीमेल 10 फीमेल कितने दिन में करती है 5 days ठीक है अब इसको क्या करो काट पिट दो 2, 3 जा 2, 5 जा तो 3 men is equal to 5 female मतलब 3 male 5 female के इक्वल है ठीक है इसके बाद हमसे क्या पूछता है ये 5
फीमेल और थ्री मेल मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब क्या करो, रुको रुको रुको, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, या तो मेल में कन्वर्ट कर लो या फीमेल में कन्वर्ट कर लो। तो फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर देते, तो 5 फीमेल इक्वल टू हाउ मच मेल, 3 मेल, 3 मेल प्लस 3 मेल, तो कर लो मैन इनटू डे। तो पहले देखो तो 5 मैन कितने दिन में करता था, 6, तो ये वाले 6 मैन इसी वर्क को कितने दिन में करेंगे, ठीक है लिख लो। यदि लेट हो रहा तो आप जा सकते हो, जाना तो कोई बात नहीं है, यदि लेट हो तो जा सकते हो। देख लो वैसे खाना बंद हो गया, हाँ जी कुछ, हाँ 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 बोलो क्या, कल कल जो है, अच्छा कल ट्यूसडे है ना, तो कल एक 9:30 का क्लास लो, ठीक है, फिर एक 11:00 का है, ठीक है, हाँ, और फिर एक शाम में, हाँ ठीक है ठीक है, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, हेलो दीपाली, मैं क्लास में, मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो लिखो अगला क्वेश्चन पे, इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज, If 6 men and 8 boys can do, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, if 6 boy men, sorry, 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days. 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, comma, find the time taken by 15 men and 20 boys to do the same time of work. 20 boys to do the same time of work, same type of work. 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. Then find the time taken by 15 men and 20 boys to do the same time of work. Same type of work. ऑप्शन 5, 4, 6, 7
कल गेस्ट का साथ में है फोर ऑप्शन में है चलो तो देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कहता है सिक्स मैन एंड एट बॉयज तो लिख लो सिक्स मैन एंड एट बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं 10 days और उसके बाद क्या कहता है फिर कहता है सर 26 men and 48 boys कितने दिन में 2 days यही है ना भाई आगे क्या कहता है 15 men 20 boys plus 20 boys कितने दिन में इस वर्क को करेंगे ठीक है क्लियर तो एक बात बताओ मैंने अभी आपको सिखाया कि डे को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वर्क तो 6 men into 10 days plus 8 boys into 10 days is equal to 26 men into 2 days plus 48 boys into 2 days so ye 60 men plus 80 boy is equal to 26 to ja 52 men plus 96 boys अब कर लो इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा और यहां कितना बचेगा 8 बचेगा सॉरी हां 8 बचेगा और ये 16 8 और 16 वन मैन टू क्लियर तो हमसे पूछता है ये क्या 15 मैन प्लस 20 बॉय तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको किसी में कन्वर्ट कर लो बॉय बॉय में कन्वर्ट कर लो मैन मैन में कन्वर्ट कर लो तो मान लो मैन को बॉय में कन्वर्ट करते हैं मैन को तो एक मैन टू बॉय 15 मैन 30 बॉय 30 बॉय प्लस 20 बॉय कितने बॉय हुए 50 लेकिन एक बात बताओ क्या अकेला बॉय का हमारे पास टाइम है क्या नहीं है ना अकेले बॉय का तो हमें इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करने का करना पड़ेगा बॉय का टाइम निकालने के लिए तो पहले ही ले लो 6 मैन प्लस 8 बॉय 10 डे में करता है तो मैन यहां पे तुमने बॉय में कन्वर्ट किया ना यहां भी करो 6 मैन 1 मैन 2 बॉय 6 मैन 12 बॉय और 8 बॉय 10 डेज तो भाई 20 बॉय कितने दिन में करेगा 10 डे में ठीक है ना तो मैन इनटू डे वाला फार्मूला लगा दो 20 बॉय 10 डे में करता है इस वर्क को तो ये जो अपना 50 बॉय था क्वेश्चन में ये कितने दिन में करेगा 4 डेज भाई रुक जा थोड़ी देर इतना वेट किया था अरे वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही है माइक लगाओ तो माइक टाइम मैं भूल जाता हूँ माइक तो मेरे पास है कल से वो माइक लगा दूंगा छोटा वाला माइक लगा वो सब कंप्लेन कर रहे हैं वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही लाइव जा रहा है सर हाँ किस चैनल पे सर द एकेडमी अभी लाइव हो गया हाँ भाई क्या हो गया तो बात नहीं करूंगा क्या नहीं आएगा
भाई वहां खुला है सर आ रहा है तो मैरिड होते हैं लिंक में आ रहा है सर वो इसलिए आ रहा है कि हमने अभी वो कर रखा है सही पब्लिक कर रखा और दूसरी एक बार दो बार बोली हुआ है तो मैं जल्दी लोग से तुम इससे पढ़ो तुमको दिख नहीं रहा है चलो भाई आ रहा हूँ बता दूँ तू टेंशन क्यों ले रहा है तू है ना दस बजे तक सारे क्वेश्चन करवा के भेजूंगा मैं भूख लग रही है खा पी के आ जाओ जाओ जितने देर में इनको पढ़ा लूंगा नहीं जोमेटो कोमेटो का खाना मैं नहीं खाता मैं अपना कर लूंगा तुम जाके खा के आ जाओ जल्दी से मैं फिर मैं घर जाके बाद में ठीक है फिर वेट कर जोमेटो कोमेटो को मुझे भरोसा नहीं रहा था पता नहीं कहां से लाके क्या खिला देगा अरे ऐसा कुछ नहीं अरे ऐसे ही है मेरे साथ दो बार ऐसा हो गया जोमेटो के साथ एक बार खाने में इतना लंबा सा बाल निकला ठीक है ठीक है और दूसरा जोमेटो वाले क्या करते हैं ना तभी ये वैलिड है आप ऑनलाइन पे करोगे सारा पैसा कट जाएगा आपका और डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो देखा है सर हुआ तुम लोग सर और फिर कंप्लेन करो ना तो कहेगा ना सॉरी सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट टाइम यही होगा होता है ना ऐसा हाँ देखो कह रहा नहीं आवाज सुन करो ये वो होगा एक होगा चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ए मैन कॉमा ए वुमन एंड अ बॉय ए मैन कॉमा ए वुमन एंड अ बॉय टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर फिनिश A piece of work in 6 days. Full stop. If a man and a woman can do the work in 10 days, if a man and a woman can do the work in 10 days and 24 days respectively, 10 days and 24 days respectively, full stop. In 24 days respectively, full stop. Find the days taken by the boy to finish the work. Find the day taken by a boy to finish the work. करो तो मैं उसका एक डॉट बता के आता हूँ तब तक. Okay.
मैं गेस से मजा नहीं आता पढ़ने पाए तो डिस्टर्ब
सॉल्यूशन भी है इसका। अब इसमें दिक्कत ही होती है ना, पहले तो समझा अच्छा है, पहले सही है ना, तो खरीदेंगे अलग। पूछो क्यों, पूछो क्यों, आंसर क्वेश्चन पढ़े अब हम करेंगे, सबसे पीछे रहो मतलब नहीं है अपन को ना, ऐसा बाबा मौसम तुम्हारा मेरा क्योंकि मैंने मिक्स हो गया उधर का भी पढ़ लिया था, इसमें क्लियर दिखाते हैं चलो देखो भाइयों कहाँ थे हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन करवा के मैं आपको छोड़ देता हूँ, कितना टाइम हुआ, 8:50 हो गया लास्ट क्वेश्चन। अरे वो दिन भर से बैठा था कह रहा है सर मेरा ऐसा ही रह गया, ऐसा ही करवा दो, सीपीयू का एग्जाम है 2 महीने में, फिर भी इसने बैठ के लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है। January 5 से ज्वाइन किया था सीपीयू वाला बैच, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिन भर तो बैठे गया था लगभग यहीं पर, बहुत सारे क्वेश्चन उसने किए हैं, बुक के भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बस हुआ है कि इसका वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जीएस और इंग्लिश, कितना इतना जल्दी जीएस इंग्लिश कैसे होगा। चलो लेकिन फिर भी बहुत कर लिया। ए मैन ए वुमन एंड अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 6 डेज है ना, देखो एक मैन एक बॉय और एक क्या है लड़का बॉय, ए मैन ए वुमन है भाई, पहले एक वुमन एंड ए बॉय कैन डू अ वर्क है ना, कैन डू अ वर्क इन 6 डेज है ना, ये लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में, ठीक है। अच्छा सुनो देखो इस चैप्टर के ना सारे क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होगा हिडन, जो आप करोगे ना तो आपके सामने आएगा कि अच्छा हाँ ये समझ में, ये करना है, फिर आप जब उसको पूछोगे ना तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बस मेरे करा देने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन करना होगा। मैं भी बता रहा हूँ हर चीज में, देखो हर इसमें ना हिडन कुछ ना कुछ छुपा रहता है, वो चीज जब आप करोगे ना खुद से तभी वो सामने आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा देखना कि ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, और तीनों मिलकर एबीसी इतने दिन में करते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पे था क्वेश्चन, तो वैसे वैसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन करो जरूर, तभी वो छुपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पूरी तरह से मतलब आप पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, टीचर रियलिटी है, कोई भी टीचर आपको 1% ही करवा सकते हैं, 99% आपको थोड़ा करना होगा भाई मेहनत, जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आपको वो डाउट जो नहीं आएगा तब तक आप वो चीजें सीख नहीं पाओगे। तो प्लीज घर में क्वेश्चंस करो, टाइम दो, जितना भी आपके पास ड्यूटी के पास टाइम बचता है, ड्यूटी के बाद मान लो कि यहाँ से 10 बजे पहुंच जाते हो तो और चीज में देखो कहाँ कहाँ टाइम कम कर सकते हो,
दस बजे ग्यारह बजे भी पहुँच दो, एक दो बजे तक भी पढ़ लोगे तो काम बनेगा। फिर तुम आराम से, फिर कितने बजे आते हो ड्यूटी तुम लोग? कहाँ जाना होता है? हुड्डा सिटी सेंटर। हाँ, हुड्डा से फिर थोड़ा सा आगे कुछ लेना पड़ता है वहाँ से भी, फिर बस बस 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा, सेक्टर 14 उधर। क्या सेक्टर 14 उधर? सेक्टर 44। वो झरोदा वगैरह जो है इधर उधर रवाना होता है ना, कन्हाई गांव, ताज, कन्हाई, कन्हाई, हां कन्हाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन जितना भी आपको टाइम मिलता है ना, टाइम देखो कहाँ कहाँ बच सकता है। क्वेश्चंस करो जितना ज्यादा हो सके, और उतना ही डाउट पूछो। जितना डाउट पूछोगे उतना ही आपका पकड़ बनेगा उस चैप्टर पे, ठीक है। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन आप बैठ जाया करो कि मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, मुझे बता दो। तो उस टाइम में मैं, जब भी मेरा छुट्टी रहा करेगा, मैं डाउट बता दूंगा, समझ गए? तो ये चीज करो। जैसे सैटरडे को किस चीज की क्लास होती है? जीके की। तो सैटरडे को मैं फ्री रहता हूँ, उस दिन आके आप डाउट पूछ सकते हो। तो लेकिन पहले उसके लिए क्वेश्चंस करने होंगे ना आपको, तो पहले क्वेश्चंस करो। देखो, तो ये तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है भाई, कि इफ अ मैन ए विमेन एंड ए विमेन कैन डू द वर्क इन 10 days and 24 days, यही था ना, इफ ए मैन एंड अ विमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days and 24 days respectively, the days taken by a boy to finish the work, the days taken by a boy, ठीक है। मतलब उसने हमें ये कह दिया कि एक man plus एक women plus एक boy कितने दिन में करता है? 6 दिन में काम को करता है। फिर हमें इसने कहा कि A man and a woman can do a work. Man और women 10 दिन में और 24 दिन में। तो आप कोई भी वर्क ले लो, 24 से ले लो, तो एक मैन एक दिन में एक काम करेगा, एक विमेन एक दिन में, सॉरी ये एक कैसे आएगा, 10 और 24 का कोई वो लो ना, जो दोनों में आ जाए, 240 लोगे ले लो। तो ये 24 दिन, ये 24 वर्क करेगा एक दिन में, और एक विमेन 10 काम करेगी एक दिन में, ठीक है। 6 दिन में ये लोग पूरा कंप्लीट करते हैं ना काम, तो इसका मतलब है 6 दिन तो मैन ने भी किया होगा, तो मैन ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, 24 into 6 कितना हो जाएगा, 6 × 24 = 2, 6 × 12 = 13, 14, 144 वर्क। 6 दिन में विमेन ने कितना किया होगा, 10 एक दिन का वर्क, ये मैन का था, ये विमेन का है, 60 वर्क। तो देखो तो कितना वर्क हो गया, 4 × 14 = 6, 20, 204 काम हो गया। तो रिमेनिंग कितना काम बचा, 36। इसे किसे करना है, बॉय को। तो इसमें हमें इसने क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश द वर्क, तो एक बॉय इसको कितने दिन में कर लेगा। तो भाई हमें ये काम कितने दिन में करना है, 6 दिन में कंप्लीट करना ना, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 × 6 = 36 है ना। तो यानी कि एक बॉय का 6 दिन का काम है, पूरा 6 दिन में तो टोटल करते हैं ना। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, एक मैन 6 दिन तक वर्क किया कितना किया, एक विमेन 6 दिन तक वर्क किया कि तो 60 की, तो टोटल वर्क तो 204 हो गया, होना कितना था टोटल वर्क, 240, तो कितना वर्क रह गया, 36। इसका मतलब इसे किसने किया 6 दिन में, लड़कों ने किया ना, वो जो साथ में काम कर रहा है ना सर, तो 6 दिन में यदि 36 वर्क करते हैं लड़के, यानी एक दिन में कितना वर्क करते हैं, 6, मतलब बॉयज 6 दिन में एक वर्क करते हैं, वर्क पर डे। ये नहीं समझ में आया क्या? देखो 6 दिन तक मैन ने इतना वर्क किया, मतलब ये लोग सब मिलके कर रहे हैं, 6 दिन तक मैन ने भी किया, 6 दिन विमेन ने किया, 6 दिन बॉय ने किया, तो 6 दिन तक मैन कितना वर्क करेगा, इतना विमेन इतना करेंगे, टोटल वर्क कितना, तो इसका मतलब जो बचा हुआ 36 है, इसने तो 6 दिन में किसने किया होगा, बॉय ने, तो बॉय का एक दिन का काम कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो इतना। तो कहता है अकेला ये बॉय सारा काम कितने दिन में कर देता, तो टोटल काम इतना 240, एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, 6 × 24 = 0, 40 days, यानी ये जो बॉयज हैं वो 40 डेज में सारा काम कर लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ।
मैं फिर से करवा दूंगा सर। मैंने उससे किया मेन, जैसे मेन वीमेन और बॉय में रिलेशन निकाल लिया सर। हां हां, मतलब तो ये आया था 40 मेरा। ये ऑप्शन में है क्या क्या सर? ऑप्शन में जो दिया गया है वो है 30 35 40 45। हां तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर वैसे। ठीक है, टाइप थर्ड का 25 देख लेता हूँ। टाइप थर्ड का 25 40, मतलब ऐसे भी हो जाएगा ना सर मेंटल? बिल्कुल बिल्कुल होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तुमसे। हाँ। हो जाएगा। अब घर में आप क्वेश्चंस करना, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस एक क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस वाला, क्योंकि मैंने आपको नहीं करवाया वो। बाकी क्वेश्चन आप घर में ट्राई करो, ए टू जेड क्वेश्चन बनेगा, जो नहीं बनेगा तो उसके लिए मैं हूँ फिर। तो कल तुम्हारी जीएस की क्लास कितने बजे से? 7 बजे से। ठीक है, क्या कल मिलते हैं फिर, बाय, सेम टाइम 7 to 9। Thank you.